हे फ्रेंड्स, जोहार, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं ही नहीं, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ लग रहा है। क्या होता है ना, पानी आने की कमी, और अभी तो मौसम भी चेंज हो रहा है तो गला बैठ रहा है। गला में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, आवाज़ में थोड़ी चेंजेस आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ही नहीं, हमारे घर में सभी लोग खुश हैं। सभी लोग मीन्स तीन लोग ही तो रहते हैं, तो तीनों ही बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है, हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम कोई मेहमान आए हुए हैं बाहर से, तो अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। वो लोग आए हुए हैं, दोनों आए हुए हैं, और जैसे ही हमें पता चला कि वो आने वाले हैं तो बहुत खुशी हुई थी। तभी से हम लोगों ने खूब बातें किया कि वो आएंगे तो ये होगा, सारी चीज़ डिसाइड हो गई थी। और बहुत अच्छा, वैसे हमारे यहाँ ना बहुत कम ही मेहमान आते हैं, घर वालों को टाइम नहीं मिलता, वो घर में भी इतना सारा काम रहता है तो उन लोगों का भी आना होता नहीं है, और मेरे भी घर वाले का आना नहीं होता है क्योंकि वहाँ भी काम होता है। और मेरे मायके में ये प्रॉब्लम होती है कि घर को खुला अकेले नहीं छोड़ सकते, किसी इतने सारे लोग हैं रहने को, बहुत सारे लोग हैं, पर किसी एक के जाने से हमारा घर जो है ना इधर उधर हो जाता है, उन लोगों का कहना है, तो इसलिए उन लोग नहीं आते ये सोच के। और मेरे ससुराल वालों का कहना है कि वहाँ बहुत सारा काम रहता है, हमें सबको पता है, तो कहते हैं किसी के लिए शिकायत नहीं करते कि आते नहीं हैं, बुलाते तो रहते हैं हमेशा से, और बोलते भी हैं कि, लेकिन हाँ ऐसा है कि आते हैं ना तो कभी भी जाएंगे ऐसा नहीं हो पाता, जब हम जाएंगे तभी उन लोगों को लेके जाएंगे, और बस में छोड़ देंगे ऐसा नहीं होता है। बस में छोड़ना थोड़ा सेफ नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। हम लोग बोलते हैं कि जिसको जाना है ना वो अगली बार हमारे आते तक वहीं रुकेगा तो चले, तो इसलिए ना सभी लोग मना कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर ज़्यादा दिन तक कोई रुकना नहीं चाहता रहता है, और बस आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा होता है, आते हैं चले जाते हैं, पर रुकना नहीं होता है किसी का। तो फ्रेंड्स, मेहमान जो आए हुए हैं ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोपहर का टाइम था, 2 या 3 बज गया था लगभग, मैंने बोला था कि नाश्ता बाहर से ही करके आ जाएं, अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूँ। उन लोग नाश्ता किए थे पर फिर भी मैंने खाना बनाया और सब लोगों ने बहुत अच्छे से खा लिया, क्योंकि क्या होता है ना, चावल के बिना रह ही नहीं पाते, चाहे जितने भी नाश्ता करें चावल खाना ज़रूरी ही होता है, ये अच्छी बात है। मैंने बनाया और सबको खिला दिया, मैं तो पहले ही खा ली थी, तो ये सब आए और पूरे दिन भर खाना वाना खाने के बाद में अच्छे से रहे घर पे। और शाम को हमने तो लोगों ने थोड़ा छत पे टहला, और बाहर तो गए नहीं क्योंकि रात भी हो गई थी और इतना दूर का सफ़र था तो बाहर जाना भी ठीक नहीं लगा। और अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ शाम का टाइम है, रात का टाइम है, तो मैं भी बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। और बातें करते करते देखो उन लोग अपने फ़ोन का जो रहता है ना, फ़ोन में फ़ोटोज़ वीडियोज़ और जो भी की चीज़ें जो हम लोगों को पता नहीं होती है तो वो सब दिखा रहे थे। और हमारी देख रहे हो, मुझे हेडफोन भी पकड़ा दिया था ताकि मैं सुन सकूँ जो कुछ था पर्सनल, तो मैं उसको सुन रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। पहली बार मुझे किसी का कंपनी मिला था अपने घर पर, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत मस्त लग रहा था, मैं बहुत खुश थी। और मैंने सब्ज़ी फटाफट से काटी, सब्ज़ी बनाया, और रात के टाइम में ना सब लोग एक साथ खाना खाए, तो इतने सारे लोग, अक्सर हम लोग तीन ही लोग खाना खाते हैं, तीन ही खाना खाते हैं, मैं और मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, इन लोगों के आने के बाद ना 4-6 लोग हो गए, 3-5 लोग हो गए, सॉरी 5 लोग हो गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। क्या था ना, ज़्यादा लोग साथ में एक साथ बैठ के खाना, एक ही चटाई पर बैठ के खाते हैं हम लोग खाना, मैं आपको दिखाऊंगी किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज नाइट का तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि क्या होता है ना कि मोबाइल में ज़्यादा हो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं मोबाइल को छुई भी नहीं, बस मोबाइल को कहीं रख दी थी और वीडियो शूट हो रहा था, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं मोबाइल में लगी हूँ, और इधर मेरी वीडियो भी बन जाएगी। मैंने सोचा मेरी वीडियो भी बना लूँगी और मेरे जो गेस्ट आए हुए उनके साथ मैं टाइम स्पेंड भी कर लूँगी, तो वो भी खुश हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि वो यहाँ मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, बहुत अच्छा फील करें, और उनको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। मैं उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए बहुत कुछ करती हूँ, और जितने दिन भी रहेंगे खुश रहें मैं यही चाहती हूँ, इसीलिए हम बहुत खुशी से रहेंगे अभी जितने दिन भी वो लोग यहाँ रुकेंगे मेरे साथ। तो फ्रेंड, इसी वीडियो में मुझे यही बताना था आपको कि सच में मेरे यहाँ कोई गेस्ट आए हुए हैं बाहर से, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है, तो मेरे खुशी के पल आपके साथ शेयर नहीं करूँगी तो किसके साथ शेयर करूँगी, तो सोचा बता दूँ। और ये वीडियो यहीं पर एंड करूँगी, चलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट से सब्ज़ी बनाऊँगी और सबको हम लोग खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, और कल मैं आपको बताऊँगी कि ये जो मैं गेस्ट आए हुए हैं मेरे, वो कौन है, कहाँ से आए हैं और मेरे क्या लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आने वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कुछ, और सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो पर।